रेकी हुई, साइकोलॉजी भी आपके साथ मिक्स होगी। इसमें कहीं टैरो कार्ड फिट हो रहे हैं? कहां पर टैरो हाँ कार्ड फिट कर रहे टैरो का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपकी अनकॉन्शियस पे जाता है। अब आपने सुना होगा जैसे हम बोलते हैं कि जो भी आंसर्स होते हैं वो हमारे पास ही होते हैं, राइट? तो हम उन आंसर्स को क्यों नहीं सुन पाते हैं? हम इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं अपनी रोज की लाइफस्टाइल से, वरी से, इन सब चीजों से, तो इंट्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो टैरो जो करता है वो बस एक टूल है जिसको आप यूज करते हो अपनी इंट्यूशन तक पहुंचने के लिए, अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या मुझे अगर ये चीज ठीक करनी है या मुझे अपनी लाइफ में ये चीज मैनिफेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँ, तो टैरो जो होता है वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा आपकी साइकी में घुसने के लिए। सो इसका लेना देना कुछ राशि से या किसी जोडियाक साइन से नहीं होता। टैरो में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आइडेंटिटी और आपको जो क्वेश्चन है। जैसे न्यूमरोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, इन सबके अंदर उपाय बताए जाते हैं। तो क्या आप जैसे किसी के साथ जब टैरो कार्ड रीडिंग करती है तो उस दौरान किसी को उपाय बताते हैं कुछ? मैं उपाय में इतना बिलीव नहीं करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हम काम सेल्फ वर्क करके कर सकते हैं, जैसे कि अपने आप को सुधार के, उससे बेटर कुछ नहीं होता। उपाय आपको एक बार दो बार काम कर जाता है, कोई गारंटी भी नहीं होती है कि करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना इनर वर्क करोगे, जितना अपने आप को समझोगे, उतना आपके लिए आसान होगा एक दुनिया में जीना। फिर आपको उपाय की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप चाहोगे ही नहीं कि आपको कोई उपाय ऐसे मिले। चारों कार्ड बुरे होते हैं? बुरे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं होते कैसे? नहीं, मतलब मेरा सवाल है इसी चीज को लेकर कि लोगों को लगता है ना कि जो लोगों को नहीं है जानकारी, या मिथ हो सकता है या क्या? टैरो कार्ड का मुझे मिथ ये लगा कि दो चीजें। पहली चीज तो ये कि आपको प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए, ये प्रिडिक्शन जो होती है ये फालतू होती है, और ये सब चीजें, चाहे वो आपकी कुंडली हो या फिर आपका टैरो हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हो, जो कुछ भी हो, कोई भी प्रिडिक्शन हो, वो एक आपके एक गाइडेंस के जैसे आपके लिए वर्क करती है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वर्क नहीं करेगी, और ये वो लोग होते हैं जो थोड़े लेजी होते हैं। अब जैसे कि उनको मैं बता दूं कि अच्छा आप तो ऐसे स्टार बन जाओगे, तो वो नहीं करेंगे अगर वो लेजी हैं। तो वो होंगे अरे मेरे को तो बनना ही है स्टार, क्या करना है। तो कहीं ना ये आपके पास जो भी एक इनसाइट कह लो, पावर कह लो, वो आपको बता देती है कि आपको सामने वाले को कितना बताना है और क्या बताना है। ये चीज बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी को, ऐसे इंसान को बता रहे हो जो बहुत पहले से ही ढीला है, और वो कुछ अच्छा सुन के और ढीला हो जाएगा। तो हाँ, तो आई थिंक इसके अंदर अपनी इंट्यूशन और इंटेलेक्ट दोनों को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन खेल इसमें इंट्यूशन का होता है। इंट्यूशन और इंटेलेक्ट दोनों। एक सवाल जैसे आपने बताया है तो मेरे दिमाग में एक सवाल और आ गया कि हम क्या टैरो कार्ड रीड अपना खुद कर सकते हैं हाँ, कर सकते हैं, और डेली कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपको एकदम बैलेंस माइंडसेट से करना होगा। क्योंकि जब आप अपना खुद का टैरो करोगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में एक फियर होगा कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी आउटकम आए, या मैं चाहता हूँ ऐसा हो, देखते हैं क्या। तो फियर जब होता है ना तो सब चीजें खराब कर देता है। लेकिन हाँ, अगर आप अंदर से शांत हो, आप काम हो, ग्राउंडेड हो और बैलेंस्ड हो, तो आप अपना टैरो आराम से कर सकते हो। तो आप मेन किस पर ज्यादा रहता आपका फोकस, रेकी पे या टैरो कार्ड तीनों पे, पे? साइकोलॉजी, टैरो, रेकी, तीनों। मतलब मैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं पे बोल पाई हूँ नहीं ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए जो मेन है वो है स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी मुझे इन तीनों से ही मिल रही है। हमारे दर्शकों को ये और बताइए कि आपकी नजर में मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, सिंपल बेसिक। मेडिटेशन पहली चीज तो ये कि अगेन बहुत सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करनी है, लेट्स से कि आपका दिमाग बहुत इधर उधर घूमता है, ठीक, आप डिसीजंस नहीं बना पाते हो, तो एक मेडिटेशन की टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस।
आप जितना ज्यादा माइंडफुलनेस पे फोकस करोगे उतना ज्यादा आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो और इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, ऊपर नीचे इमोशंस होते रहते हैं, इधर उधर भागना, एक्टिविटी बहुत इम्बैलेंस रहते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर हम ग्राउंडिंग करते हैं, धरती से टिक के रहना, मदर अर्थ के साथ अपना कनेक्शन बना के रखना जिससे आप अंदर से बैलेंस्ड फील कर सको। फिर एक तो होती है आपकी जैसे जो सिद्धि होती है, जो साधना होती है आपकी, वो तो सब्जेक्टिव है ही,